ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। स्विट्जरलैंड से काला धन लाने की उम्मीद जागी। काले धन पर स्विट्जरलैंड भारत की मदद करने के लिए तैयार हुआ। स्विट्जरलैंड की राष्ट्रपति डोरिस ल्यूथर्ड और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। मोदी कैबिनेट में एक दो दिन में हो सकता है बड़ा फेरबदल। सरकार और संगठन में इसको लेकर माथापच्ची जारी। अमित शाह के घर पर हुई 8 केंद्रीय मंत्रियों की बैठक। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने चला ब्राह्मण कार्ड। केशव प्रसाद मौर्य की जगह महेंद्रनाथ पांडे बने यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने पत्र जारी करके जानकारी दी। चंदौली से सांसद हैं महेंद्रनाथ पांडे। गया रोडरेज केस में सिविल कोर्ट ने फैसला सुनाया। आदित्य सचदेवा की हत्या के मामले में रॉकी यादव दोषी करार हुआ। 6 सितंबर को होगा सजा का ऐलान। उधर अनुपमा गुलाटी हत्याकांड में देहरादून की सेशन कोर्ट ने फैसला दिया। पति राजेश गुलाटी अपनी पत्नी अनुपमा की हत्या का दोषी करार दिया गया। कल सजा का ऐलान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में किया कैलाश मानसरोवर भवन का शिलान्यास। सीएम ने लोगों को स्वच्छ समृद्ध और सफल भारत के निर्माण का संकल्प दिलवाया। मथुरा के वृंदावन में आरएसएस का बड़ा कार्यक्रम। केशव धाम में 3 दिवसीय वार्षिक समन्वय बैठक का 1 सितंबर से होगा आयोजन। अमित शाह थोड़ी देर में पहुंचेंगे वृंदावन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने पश्चिमी यूपी के किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि नए भारत के निर्माण के लिए सबका योगदान जरूरी है। पश्चिमी यूपी के किसानों ने सोना पैदा किया है। 8 और 11 सितंबर को किसानों को लोन माफी सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, यूपी के सीएम कह रहे थे। पश्चिमी यूपी के हर जिले में इसके लिए कैंप लगेंगे। वहीं अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों का 93% भुगतान किया जा चुका है। सरकार का दावा है कि गन्ना किसानों को 23,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान करवाया गया है और बाकी बचे 2,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भी शीघ्र भुगतान करवाया जाएगा। लेकिन बिजली से जुड़ी मांगों को लेकर पश्चिमी यूपी के किसानों ने बुधवार को मेरठ में ऊर्जा भवन का घेराव किया। हुक्का पानी और खाना लेकर बड़ी संख्या में नेताओं के साथ जुटे किसानों ने दफ्तर पर ताले जड़कर बिजली अफसरों को बंधक बना लिया और तोड़फोड़ भी की। सुबह से शाम तक हंगामे के बाद किसान एमडी के आने के बाद ही शांत हुए। यह कोई एकमात्र घटना नहीं है। हाल के दिनों में पश्चिमी यूपी के किसानों की बदहाली की कई कहानियां और तस्वीरें सामने आई हैं। खराब फसल की वजह से किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं। इसमें मथुरा और अलीगढ़ के किसानों की आत्महत्याएं सबसे ज्यादा हैं और इसकी घटनाएं सबसे ताजी भी हैं। अलीगढ़ में जिस किसान ने जान दी है, वो आलू की सही कीमत नहीं मिलने से परेशान था। किसान ने करीब 10 लाख रुपए का कर्ज ले रखा था, जिसमें 5 लाख रुपए बैंकों से और 5 लाख रुपए साहूकारों से ब्याज पर लिए गए थे। उधर यूपी के शाहजहांपुर में सड़क पर गहरे गड्ढे और उनमें भरे बरसाती पानी को लेकर किसान यूनियन ने अनोखा प्रदर्शन किया। किसान यूनियन के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बीच रोड पर गहरे गड्ढों में भरे बरसाती पानी में ही धान बो दिया। किसान यूनियन के नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ खोखले वादे किए हैं। अगर उन्हें सड़क पर गड्ढे देखने हैं तो वो शाहजहांपुर के बंडा आ सकते हैं, उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। बंडा एक जगह का नाम है जो शाहजहांपुर में पड़ती है। वहीं हापुड़ अंबेडकर नगर से लेकर आगरा तक किसानों ने अपनी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है।
आलू की फसल को लेकर असंतोष है, कहीं जमीन अधिग्रहण के मसले पर किसान गुस्से में है। तो ऐसे में अगर सीएम ये कहते हैं कि पश्चिमी यूपी के किसान सोना उगाते हैं, तो क्यों ना कहा जाए कि उन्हें उनके सोने की सही कीमत, वाजिब कीमत नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश तो देश में आलू उत्पादन का 40 से 45 फीसदी पैदा करके नंबर एक पर है। फरुखाबाद जिला कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 11 फीसदी आलू पैदा करता है, लेकिन जनवरी फरवरी में आलू खुदाई के समय आलू की कीमतें पाताल में चली जाती हैं और किसानों को लागत निकालना मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। अप्रैल के बाद से कीमतें बढ़ते हुए जून जुलाई तक दोगुनी हो जाती हैं। आप ये मुश्किल देखिए, जब किसान के खेत में आलू होता है तो कीमत एकदम नीचे, और जब वक्त निकल जाता है, जब कोल्ड स्टोर में आलू पहुंच जाता है, तो दुगुनी तिगुनी चौगुनी कीमतें चली जाती हैं। आलू के धंधे में बिचौलिया और कोल्ड स्टोरेज के संचालकों का राज कायम है। उधर किसान बेहाल हो रहे हैं। गन्ने की खेती के हिसाब से चीनी उत्पादन के ताजा आंकड़ों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 9500 लाख टन होने का अनुमान है, लेकिन गन्ना किसान बिजली और सही कीमतों को लेकर अब तक जूझ रहा है। ऐसे में सवाल बहुत बुनियादी है, बेसिक है, कि सरकारें जो कहती हैं वो जमीन पर क्यों नहीं दिखता। नेता जितनी चिंता भाषणों में जाहिर करते हैं, उतने चिंतित वो स्वयं क्यों नहीं होते हैं। किसानों के अच्छे दिन वाकई कब आएंगे, और सोना उगाने वाले किसानों को उसके सोने जैसी सही कीमत कब मिलेगी। आज का प्राइम एजेंडा इसी पर है। कोई भी सरकार हो, हमने एक स्थिति देखी है कि सरकार का मंत्रिपरिषद, मुखिया एक स्थिति बताते हैं, जबकि किसान या किसी दूसरे मामले पर दूसरी स्थिति जमीन पर होती है। किसानों के मामले में नई सरकार भी कुछ कुछ वैसा ही कर रही है। हो सकता है कुछ प्रयास हो रहे हों, लेकिन प्रयास जितने हो रहे हैं और जितने दावे किए जा रहे हैं, तस्वीर उतनी ही उलट किसानों की कम से कम इस वक्त दिख रही है। इसलिए आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के दौरे पर जो मुख्यमंत्री आए और उन्होंने किसानों को लेकर यह वक्तव्य दिया, उन्होंने जो कहा, हमने आज जरा प्राइम एजेंडा में उस पर चर्चा करने की सोची कि पूरे प्रदेश में किसान और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान किस स्थिति में है, सरकार जो कोशिशें कर रही है क्या वो काफी हैं या नाकाफी हैं, कुल मिलाकर सरकारी कोशिशों का नतीजा कैसे जमीन पर दिख रहा है। कई खास मेहमान आज हमारे साथ हैं। आज हमारे साथ किसान नेता के तौर पर अजय चौधरी साहब है स्टूडियो में। अजय साहब बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर जयकांत मिश्रा हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किसानों के नेता हैं, और किसानों की लड़ाई समाज में वो अलग अलग समय पर लड़ते रहे। डॉक्टर जयकांत मिश्रा बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के संवेदनशील प्रवक्ता नेता चंद्रभूषण पांडे आज की इस डिबेट में है। जिशान हैदर साहब नेता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हमारे साथ हैं। केसी जैन साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, नेता हैं, और रजा रिजवी साहब हैं, सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ स्टूडियो से ही सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जरा किसान नेता और डॉक्टर जयकांत मिश्रा की बात सुन लेते हैं। हमने जो कहा शुरुआत में, उससे स्थिति थोड़ा और साफ होगी कि हम जो समझ रहे हैं, जो विश्लेषण दर्शकों के सामने रख रहे हैं, वो कितना सही है, गलत है, स्थिति इससे कहीं बेहतर है या इससे कहीं बदतर है। डॉक्टर जयकांत मिश्रा, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में थे किसानों को लेकर। हालांकि वो कैलाश मानसरोवर भवन का शिलान्यास करने के लिए वो आए थे, लेकिन उन्होंने किसानों का जिक्र किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यहाँ का किसान सोना उगाने का काम हो रहा है, लेकिन मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हापुड़, मेरठ, यहाँ की ये घटनाएँ बता रही हैं कि किसान की सरकार जो ऊपर से देख रही है वो सच नहीं है। किसानों की स्थिति जमीन पर कहीं ज़्यादा ख़राब है। ये जो तालमेल की कमी है, यानी ये जो क्या कहें, ये जो जिसको कहते हैं आंख का दोष होना, कि सरकार की आंख एक देखती है और किसान दूसरी स्थिति में है, ये कब तक चलेगा? सरकार को सब गुड़ी गुड़ी लग रहा है, जबकि किसान अलीगढ़ में आत्महत्या कर रहा है। डॉक्टर जयकांत मिश्रा, देखिए, अभी कुछ दिनों से एक मानसिकता सरकार के पास आई है, और बहुत ही ये मानसिकता जो है निराशाजनक है, कि कोई ट्रेन हादसा हो जाए, कोई फ्लाइट हादसा हो जाए, कोई घटना हो जाए, कुछ दुर्घटना हो जाए, किसान के साथ हो जाए, किसी भी तरह का कोई भी हो, उसको एक मुआवजा दे दीजिए। आपने मुआवजा, जैसे लग रहा है कि कोई ऐसा नगर निगम है ये सरकार जिसके पास एक फंड है, और हम एक इंश्योरेंस कंपनी है, आपके पास नुकसान होगा तो हम दे देंगे और हमारा काम, जिम्मेदारी हमारी खत्म हो जाएगी।
ये जो मानसिकता है इससे आपको बाहर उलट होकर के आपको काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज कि जो आपने सरकार ने जो वादे किए थे किसानों के लिए कि आपका जो बैंक के ऊपर जो लोन है उसको माफ करेंगे, इतना काफी नहीं है। किसान के साथ जो समस्याएं है, सोयल टेस्टिंग का है, लैंड एक्विजिशन का है, आपका हर जिले का स्तर का एक किसान अलग अलग व्यवस्था में, कोई गन्ने का कर रहा है, कोई आलू का कर रहा है, कोई धान का कर रहा है, कोई किसान से पैसे लेता है, कोई बैंक से पैसे लेता है, उसकी क्या क्या परिस्थितियां हैं, इस पे एक बहुत बढ़िया व्यवस्था हो और उसके साथ उसके सरकार के साथ जब तालमेल बैठेगा तब जाकर के इस देश की स्थिति सुधरेगी। ये समस्या सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये पूरे भारत की समस्या है। और किसान को लेकर के दो चीजें सरकार के पास सामने आती है कि अगर कोई घटना दुर्घटना घटता है तो उसको एक मुआवजा दे दो, और उसके बाद आकर के उसके सामने एक ऐसी घोषणा कर दो कि वो घोषणा को लेकर के घूमता रहे। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, किसान के पास चप्पल नहीं है, किसान के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, किसान के पास शहर से दूसरे शहर जाने के लिए व्यवस्था नहीं है, उसको खाद छिड़कने के लिए पैसा चाहिए, बीज के लिए पैसा चाहिए, ये सारी समस्या है। इसको एक समन्वय सरकार को बना करके एक प्रोजेक्ट भारत के सामने रखना पड़ेगा, तब जाकर के देखिए इतना बड़ा देश है और ये अन्नदाता है। अगर इन्होंने एक तो बहुत बड़ी ऐसी चीज है कि ये ऐसी कोई थॉट नहीं रखते हैं बाकी लोगों की तरह कि एक यूनाइट होकर के और कोई व्यवस्था करें, नहीं तो ये पूरे देश में और सरकार में हुक्का पानी बंद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मेरा ये सुझाव है कि सरकार एक सॉयल टेस्टिंग पे काम करे, किसान के पास एक जैसे आपने आधार कार्ड बनाया है किसान कार्ड बनाइए, उस किसान कार्ड पे उसकी जमीन की भूमि की सॉयल टेस्टिंग। प्रधानमंत्री खुद सॉयल हेल्थ कार्ड की बात करते रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 5 महीने पूरे हुए हैं, 5 महीने। हम आपसे ये समझना चाहते हैं किसानों की लड़ाई लड़ने वाले एक जागरूक कार्यकर्ता नेता होने के नाते कि जो इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ले रही है, एक तो कर्ज माफी का जो चुनावी वादा था वो उन्होंने पूरा किया है, आज मुख्यमंत्री कह रहे थे कि वो कैंप लगाएंगे और कैंप लगाकर बाकायदा कर्ज माफी के सर्टिफिकेट बांटे जाएंगे, क्या आपको लगता है कि किसानों की दृष्टि से सरकार सही रास्ते पर है या फिर लकीर पीटी जा रही है? हमें यह बताइए, आपकी दृष्टि, आपका विश्लेषण क्या बता रहा है कि जो रवैया है किसानों को लेकर नई सरकार का, क्या वो संवेदनशील है, असंवेदनशील है, तात्कालिक है, वैसा ही है जैसा पिछली सरकारों का रहा, कोई विजन दिखता है नहीं दिखता है, क्या है सोच इस सरकार की? देखिए, मैं अभी सारी बातें एक नेशनल टाइप का बात किया हमने, पूरे देश भर की एक बात किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी स्थिति सेम है। आप जो है ये एक जो भाषणबाजी और जुमलेबाजी का जो राजनीतिकरण हुआ है ये पॉलिटिकल स्तर तक तो ठीक है, लेकिन अगर सरकार इसमें अगर बयानबाजी और राजनीति करने लगे, जहाँ पे विकास होना है, जहाँ उपज होनी है, वो वहाँ सही बात नहीं है। आपके जो घोषणा है वो बिल्कुल किसान के स्तर तक पहुंचना चाहिए, जो पहुंचाने में असमर्थ हैं, और सिर्फ किसान ही क्यों, बाकी व्यवस्थाओं में भी आप देखिए हर चीज में जो जहां तक योगी जी ने जो जो व्यवस्थाओं के लिए आकर के लिए एक बदलाव की जो राजनीति किया है, वो लड़कियों का भी मसला सामने, हालांकि आज किसान का मसला है, लेकिन वहां पे भी आप फेलियर दिख रहे हैं, क्या क्राइम की स्थिति है व्यवस्था में, आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश की क्या चरमराई हुई है। सरकार की दिशा किसानों को लेकर भी ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं, ठीक ही नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं। ठीक है, हम सर आएंगे अगले हिस्से में, हम एक बार जरा चौधरी साहब को जोड़ लें, उसके बाद हम लखनऊ स्टूडियो में पैनल पर जाएंगे। चौधरी साहब, ये बताएं कि आज मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि गन्ना किसानों का 93% भुगतान इस सरकार ने कर दिया, 93%। उन्होंने आंकड़ा भी रखा कि 23,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान करवाया गया, बचे 2,000 करोड़ रुपए इसका भी शीघ्र भुगतान करवा दिया जाएगा, सही लगता है आपको? जमीनी हकीकत है ये? ये जमीनी हकीकत नहीं है, बिल्कुल गलत है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी जहां मीटिंग कर रहे थे गाजियाबाद में, उसी जिले की मिल का देख लें कितना पेमेंट हुआ है। मोदी मिल का करीब 80-85% पेमेंट पिछले साल का बकाया है, अभी भी बकाया है। उन्हीं की मोदी ग्रुप की
मलकपुर में मिल है उस वहां भी 75-80% बकाया है। तो मोदी जी पहले आंकड़े तो देख लें, उसके बाद इस चीज को कहें कि हमने कितना करा दिया है, पूरे प्रदेश का देख के या सरकारी मिलों का देख के ये बता देना कि इतने फीसदी हो गया है, जहां वो मीटिंग कर रहे हैं वहां का तो देखे कितने फीसदी हुआ है। रहे किसान क्रेडिट कार्ड की बात, किसान क्रेडिट कार्ड में सरकार ने सरकार को पैसे दे दिया है, उसका मतलब ये है जो डिफाल्टर थे, जो काफी टाइम से डिफाल्टर थे, कुछ ऐसे डिफाल्टर थे, एक बैंक में 10 से 20 तक ऐसे डिफाल्टर पा जाते हैं, उनका केसीसी केवल आया है। जो ये कह रहे हैं, जो इन्होंने घोषणा की है, जितने 1000 करोड़ की घोषणा की है, उस लेवल पे कोई काम नहीं है। हर एक बैंक में, मेरे यहाँ भी एक बैंक है, बिक्रमपुर गाँव है मेरा, वहां भी बैंक है जी। जो उन्होंने आंकड़े भेजे हैं, करीब 800 उन्होंने भेजे थे, उनमें से केवल 36 पास होके आए हैं, केवल 36 किसानों के पास हो गए हैं, और उन 36 में भी 20 तो वे हैं जो डिफाल्टर हैं। तो सरकार का पैसा सरकार के पास ही तो रह गया, किसान का क्या फायदा हुआ उसमें? केसीसी जो इन्होंने बिल्कुल छूट करने की बात की है, 1 लाख तक की छूट है, किसी का एक से ज्यादा बड़ा कार्ड है उसकी कोई छूट नहीं मिली है, केवल जिनका 1 लाख का कार्ड है। वो तो सरकार ने पहले ही कहा कि हम 1 लाख तक के कर्जे माफ कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक चीज और कराया है, मार्च 2016 में जो किसान लगातार मेहनत करके पैदा करके और केसीसी को जमा करा देता है, उसको कोई छूट में नहीं लिया। चलिए हम एक बार जरा चंद्रभूषण पांडे जी को जोड़ लेंगे। चंद्रभूषण जी, लेकिन हम पहले जरा विपक्ष की भी प्रतिक्रिया ले लें और रिजवी साहब को भी सुन लें, आपको जवाब देने में आसानी होगी और बार बार आरोप प्रत्यारोप से हम बच पाएंगे। रिजवी साहब, पहले तो आप कमेंट करिए सर, हम आज किसानों के मुद्दे को लेकर बैठे हैं, मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता थी कि उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का जिक्र किया, लेकिन ज्यादातर सरकारों की तरह ये सरकार भी ऐसा लग रहा है कि दावा कुछ कर रही है और जमीन पर स्थिति कुछ है। हम ज्यादातर मामलों में देखते हैं इस तरह का एक झोल होता है, पता नहीं क्यों होता है। कानून व्यवस्था को लेकर सरकारी दावा कुछ होता है, जमीन पर स्थिति कुछ होती है। एंटीरोमियो स्क्वाड को लेकर दावा कुछ है, जमीन पर स्थिति कुछ है। शिक्षा को लेकर दावा कुछ है, स्थिति कुछ है। किसान भी उसी कतार में है। रिजवी साहब, देखिए राजू रघुनंदन जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव के दौरान भाषण दे रही थी तो वो कह रही थी कि मैं किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा, और वो बराबर मीटिंग में, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे उत्तर प्रदेश के नेता हो, ये सब बराबर कहते आ रहे थे। लेकिन आप देखिए, जो इन्होंने ऋण माफ किया है तो फसली ऋण माफ किया है। फसली ऋण का मतलब है कि जायद, रबी और खरीफ, ये तीन जो है ये फसल होते हैं, जायद, रबी और खरीफ। तो आप समझिए, इन्होंने फसली ऋण जो है माफ किया है, जो एक फसल है उसका ऋण माफ किया है। और ऋण माफ करने के लिए इन्होंने, जाहिर सी बात है सब जानते हैं और कई बार ये बात आ चुकी है कि अब पहली कैबिनेट की बैठक में हम जो है वो ऋण माफ करेंगे किसानों का ऋण जो माफ किया आपने, वो फसली ऋण माफ किया, पूरा तो माफ किया नहीं आपने, यानी जो एक फसल के लिए उसने लोन लिया उसको माफ कर दिया। इससे भी उसके आगे फसल में उसने लोन लिया था, ऐसा नहीं कि उसने लोन नहीं लिया था, उसमें भी पूरा लोन अदा नहीं कर पाया। तो एक फसली ऋण आपने माफ किया, और उसको माफ करने में सरकार को कितनी परेशानी आई है, यानी आप समझिए 36,000 करोड़ रुपया 86 लाख लोगों को बांटने में सरकार को, मतलब आप समझिए, बड़ा गुड़ा भाग करना पड़ा। और गुड़ा भाग करने के बाद कि साहब उत्तर प्रदेश में कोई भी जो है वो किसी के ऊपर कर नहीं लगाएंगे, तो कर तो आप नहीं लगाएंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश की योजनाएं थी, उन योजनाओं में आपने, विकास की योजनाओं में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र रहा हो, चाहे सड़क निर्माण का क्षेत्र रहा हो, सब जगह से बजट आपने कर्टेल किया है। मैं सूचना विभाग का बताना चाहता हूँ कि 1000 करोड़ का बजट था, लेकिन इस वक्त वो 300 करोड़ या 400 करोड़ पे बजट बोले आया गया, यानी 600 करोड़ रुपया यहाँ से गया। तो अगर यहाँ से गया, अब जाहिर सी बात है कि अभी देखिए रोडवेज की बसें जो है रंगी जा रही हैं। रोडवेज की बसों को रंगने की जरूरत नहीं थी कि बाहर उसको जो है वो भगवा कर दिया जाए, अगले साल रंगने की जरूरत थी, रंगते आप, क्योंकि इस साल अगर रंग रहे हैं तो एक भार आप पर पड़ रहा है, एक उत्तर प्रदेश के विकास पे भार पड़ रहा है, आप अंदर बस ठीक करते। और ये जो ऋण मोचन पत्र बांट रहे हैं, 8 तारीख को बांटेंगे आप, 11 तारीख को बांटेंगे, 15 तारीख को बांटेंगे,
विधायक बांटेंगे आपके, सांसद बांटेंगे आपको आपके। अरे भैया, किसान को जल्दी से जल्दी ऋण जो है ऋण मोचन पत्र दीजिए, खाते में उसके जाए, जिससे अगला जो फसल आने वाला है उस फसल के लिए किसान तैयारी करे, क्योंकि पानी बरस चुका है और अब खेती के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। तो ये सरकार को समझने की जरूरत है। देखिए, आज उन्होंने जो बात वहां पर कही है कि साहब ऐसा है कि हम जो है वो किसानों का पूरा जो है वो गन्ना किसानों का पैसा करीब दे चुके हैं और 2000 जो है वो करोड़ बाकी है देना। तो जिस तरीके से किसानों को अगर दे रहे हैं तो किसानों का उस बजट में कहां से आपने लिया, आम जनता को यह भी बताने की जरूरत है, ठीक है, कि हमने इस बजट के अंदर इतना पैसा लिया। रिजवी साहब, ये पैसा हमने छोटा रखते हैं, रिजवी साहब छोटा रखते हैं, शुरुआत में आते हैं, फिर हम जरा, क्योंकि हमें जवाब भी लेना है। बात तब बनेगी जब सत्ता पक्ष या सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता अपनी संवेदनशीलता से सारी चीजों के जवाब दें। जिशान हैदर साहब, कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा कुल जमा एक ही चिंता और एक सवाल है कि जब भी हम किसानों या खेती या कृषि पर बड़ी चर्चा करते हैं तो हम उसके अंत में एक ही चीज पाते हैं कि सरकारों के पास किसानों या कृषि की बेहतरी के लिए कोई एक व्यापक दृष्टि नहीं है, कोई एक बड़ा विजन नहीं है। सारे तात्कालिक इंतजाम होते हैं या चुनावी घोषणाएं होती हैं। जैसे ये कर्ज माफी की बात है, अच्छी बात है, इससे राहत मिलेगी किसानों को, लेकिन एक चुनावी वादा था जो पूरा किया जा रहा है। अभी सॉइल कार्ड की बात की या केसीसी की बात हुई, बात ये है कि किसानी फायदे का सौदा बने, क्या वो विजन इस सरकार का भी दिख रहा है? जिशान हैदर साहब, राजीव जी, हमें लगता है कि ये लोग बातों के जादूगर हो चुके हैं। जिस तरह से आंकड़ों में छलावा करते हैं, हमें लगता है या फिर योगी जी को पता नहीं है, या योगी जी जान के भी अनजान बन रहे हैं, या अधिकारी उनको गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। आप देखिए, आपके मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपके सामने ये विजुअल चल रहा है योगी आदित्यनाथ जी का। आपको याद होगा कि उस पे ऑर्डर किया गया था कि बुके नहीं दिया जाएगा। हमें लगता है जितने सिर्फ फूल लगे हुए उससे दसियों पचासों बुके बन जाएंगे। तो हमें लगता है कि जिस तरह से इनकी बातों की अवहेलना हो रही है लगातार, ये जीता जागता सबूत है। आप देखिए, हम चंद्रभूषण पांडे जी बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे मित्र, हमें बताएं कि कितनी खरीद का इन्होंने टारगेट लिया था और कितना खरीदा गया। ये कहते हमने इतना खरीद लिया गया, हमें बताएं टारगेट क्या था और कितना उससे कम खरीदा गया है। फिर आप ये देखिए, इन्होंने जो आपने कहा कि माफी की, उन्होंने कर्ज माफी की, क्या कहा था इन्होंने इलेक्शन से पहले और क्या इलेक्शन के बाद कर्ज माफ किया, सबको पता है, उस पर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। किसान कहते हैं कि सारे जो है गड्ढा मुक्त प्रदेश कर दिया गया, आज आपने खुद ही बताया, और जिस तरह से पूरे प्रदेश में आज गड्ढा, जिस तरह से गड्ढा युक्त प्रदेश है आज की डेट में, सबको पता है, जितने लोग बैठे हैं सबको पता है, जनता जो देख रही है। आप बिजली की बात करते हैं, देखिए किसान को सबसे ज्यादा जरूरत, हमें लगता है बिजली से बहुत ज्यादा राहत मिलती है। आज बिजली कितनी आ रही है प्रदेश में, बिजली के ऊपर इन्होंने लगातार बातें की थी, चुनाव वादे किए थे, आज सबको पता है कि बिजली के क्या हाल है। हमें लगता है 5 साल में न्यूनतम स्तर पे बिजली आज प्रदेश को मिल रही है, और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो हार है बिजली को लेके। तो हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में फर्क, जुमलों की पार्टी, ये जो शब्दों का हम लोग चयन करते हैं, जो हमको वो बोलते हैं, ये बिल्कुल उनके ऊपर फिट बैठता है, क्योंकि ये लोग आंकड़ों में जिस तरह से जादूगरी करते हैं, आंकड़ों का जिस तरह खेल करते हैं, जिस तरह जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं, ये सब इसका जीता जागता उदाहरण है। हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी को किसान, ठीक है, इतनी मौतें आपने जिस तरह से बताया, आज मौतें हो रही। अच्छा राजीव जी, आप पूछ लीजिए। आपके हम केसी जैन साहब के पास जाना चाह रहे थे। केसी जैन साहब, कैसे देख रहे हैं आप किसानों के मामले में सरकार कितनी संवेदनशील नजर आ रहे? देखिए, अभी आपके साथ में बैठे आदरणीय मिश्रा जी ने, पत्रकार महोदय ने बहुत सारी चीजें बहुत साफ गोई से रखी। तो किसानों के जो मुद्दे हैं, एक सबसे बड़ा, हमें तो लगता है सबसे बड़ा सवाल ये है कि कर्ज माफी, किसानों की कर्ज माफी कांग्रेस ने की एक बार नहीं, दो बार की। उसके बाद में 50,000 रुपए तक उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, यहाँ पे समाजवादी पार्टी सरकार ने कर्ज माफी की, लेकिन उसके बाद में भी, कर्ज माफी के बाद में भी किसान लगातार ऋण में क्यों फंस जाता है, किसान की समस्या का निराकरण क्यों नहीं हो पाता है? पूरा की पूरा कर्ज माफ होने के बाद में किसान लगातार उसको ऋण लेना पड़ता है, और ऋण के चक्रव्यूह में ऐसा फंसता है कि उस ये स्थिति आ जाती है जब बैंकें उस पर दबाव डालती है कि उसको आत्महत्या तो करनी पड़ती है। तो इसका जो चीज आज जो आप विजुअल में भी दिखा रहे हैं
कि उपज हो रही सोने की, दाम मिल रहा है पीतल का, तो किसानों को सही उपज का सही दाम मिले। अगर अगर अभी इन्होंने ऋण माफी योजना बनाई है, ठीक है, कितना ऋण माफ किया है, कितने तक होना चाहिए, कितने लोग बाकी रह गए वो अलग की बात है, लेकिन जितने लोगों को किया है कम से कम अगर वो ऋण माफी समय से उन लोगों की हो जाए तो वो आगे की अपनी योजना बनावे, किसान कम से कम आगे कुछ कर सके। सिर्फ उस पर योजना बन रही है, अभी तक किसी भी किसान का ऋण माफ नहीं हुआ, किसी को कोई कर्ज माफी का सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तो जो कुछ इन्होंने किया है कम से कम उसका लाभ समय से किसान को मिल जाए। अगर ये ऋण माफी आप करने के बाद में 2 साल बाद 3 साल बाद उसको सर्टिफिकेट मिले और किसान लगातार परेशान रहे, बैंकें उस पर प्रेशर डालती रहे, वो भागता फिरे, अपना काम न कर पाए, तो कुल मिलाकर के ऋण माफी के बाद में भी किसान चक्रव्यूह में फंसा हुआ है कर्ज के, उसकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। रही बात ये जो गन्ना भुगतान की, तो लगभग ये आप देख लीजिए राजीव जी, डाटा उठा के देख लीजिए, लगभग 2 से 3 हजार करोड़ रुपए का जो बकाया होता है वो हमेशा लगभग यही बकाया किसानों का रहता है। अगर इतने इतना बकाया इस बार भी है तो इन्होंने कौन सी नई उपलब्धि हासिल कर ली है, क्यों पूरा की पूरा भुगतान क्यों नहीं हुआ गन्ना किसानों का, जिसकी ये लंबी लंबी बातें करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है, कथनी और वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि किसानों और कथनी में अंतर है, लिहाजा वो किसानों को लेकर भी दिखाई दे रहा है। दोबारा वो उसमें ना फंसे। अब चंद्रभूषण जी के पास जाने दीजिए। देखिए डॉक्टर जयकांत मिश्रा ने, चौधरी साहब ने, जीशान हैदर साहब ने, रिजवी साहब ने, सबने अलग अलग बातें रखी और अच्छी तरह से सुना चंद्रभूषण पांडे जी ने। चंद्रभूषण पांडे जी जवाब दीजिए सब लोगों की बातों का, और हमारी कुल चिंता ये है वो लॉ एंड ऑर्डर, बिजली, सड़क, हर चीज से जुड़ी हुई है कि जितने दावे हैं या जितनी कोशिश है वो दिख क्यों नहीं रही है, स्थिति विपरीत क्यों है, ये बताइए राजीव जी। ये बड़ी सारगर्भित चर्चा हुई और जितनी संवेदना इस पैनल में मुझे दिखी, अगर ये लोग अपनी सरकारों में रहते दौरान इसका 5% भी संवेदना दिखाते तो आज किसानों की जो दयनीय हालत है इतनी बुरी है न होती। अब तो मैं आता हूं विषय पर। हमने किसान ऋण माफी के नाम पर 36,000 करोड़ रुपए के माध्यम से 86 लाख परिवारों को लाभान्वित किया। उत्तर प्रदेश में 97 लाख कुल जो 97,000 गांव हैं और उत्तर प्रदेश में हर गांव में औसतन 100 किसानों को इसका लाभ पहुंचा है। एक सच्चाई है, ये आंकड़ा है, तथ्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता। मैं पूछना चाहता हूं इस पैनल में बैठे हुए तमाम लोग जो सत्ता में रहे हैं कि पिछले 5 सालों में जोड़ करके भी ये 35,000 करोड़ नहीं पहुंच सकते जो मैंने 5 महीने में किया। नंबर दो, गन्ना मूल्य में 23,500 करोड़ रुपए भुगतान जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, समान अवधि में पिछले साल का आंकड़ा बताता है 13,000 करोड़ का भुगतान हुआ था, 10,000 करोड़ रुपए सरप्लस भुगतान हुआ है। ये मैं जयंत साहब को बताना चाहता हूँ कि इसी अवधि में 10,000 करोड़ अतिरिक्त भुगतान हमने किया है, 2,000 करोड़ का बकाया है, कुछ चीनी मिले डिफॉल्ट कर रहे हैं उसको भी हम करेंगे। तीसरी चीज, केवल गेहूं की खरीद को उठा लीजिए, उसमें लगभग 6,000 करोड़ रुपए का गेहूं हमने खरीदा है, 6,000 करोड़, 23,000 करोड़ और 35,000 करोड़। मैं बता देता हूं, उसको बता देता हूं, पिछले 3 सालों में समाजवादी पार्टी ने जो गेहूं खरीदा था वो हमने 1 वर्ष में खरीदा है। आप अपना टारगेट बता। अरे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, 7.5 लाख करोड़ खरीदा था, 7.5 लाख करोड़ था पिछली सरकार में आपके दोस्त की जो सरकार थी, और उसके पहले 22 लाख करोड़ पूरा होने देता हमने 39 लाख करोड़ खरीदा। मैं सुन रहा था, थोड़ा आप लोग धैर्य रखिए तो अच्छा रहेगा। मैं बताना चाहता हूँ, 23,500 करोड़ रुपए गन्ने का, 6,000 करोड़ रुपए गेहूं का और 35,000 करोड़ रुपए जो है ऋण माफी का, ये राशि मिला के 65,000 करोड़ रुपए होती है। 5 महीने की सरकार ने 65,000 करोड़ रुपए किसानों की जेब में डालने का एक महत्वाकांक्षी कार्य किया, नंबर एक। नंबर दो, ये पहली ऐसी सरकार है जो गांव पर, गरीब पर, किसान पे फोकस कर रही है। हम न्यू इंडिया का जो फोकस है वो गांव है, न्यू इंडिया का फोकस गरीब है, न्यू इंडिया का फोकस किसान है, न्यू इंडिया का फोकस जो है आम आदमी है, गरीब आदमी है, वंचित है, पीड़ित है, परेशान है, निराश है, हम उसके साथ खड़े हैं। भारत सरकार के बजट में 3,95,000 करोड़ रुपए के इस वर्ष प्रावधान है गांव के लिए, किसानों के लिए। इस आंकड़े को कोई नकार नहीं सकता। अगर भारत में कांग्रेस की सरकार 60 सालों में इस पे अगर 5% भी चिंता करती आज दयनीय हालत में होती, आज जिसान जी को भी इतना लंबा भाषण नहीं करना पड़ता। देखिए सच्चाई क्या है, आप सच्चाई पर आइए। किसान आज दिखाई नहीं दिया है कुछ, इंडस्ट्री पे कोई काम नहीं किया इन सरकारों ने। हम 55 से अधिक विकास खंड जो असेवित है कोल्ड स्टोरेज बनाने जा रहे हैं, हम कोल्ड चेन पे काम कर रहे हैं, हम फूड प्रोसेसिंग पे काम कर रहे हैं, हम सोलर पंप बनाने पे काम कर रहे हैं, सोलर पंप पे 10,000 पंप हम लगाने जा रहे हैं। हमारा बुंदेलखंड को लेकर मुख्यमंत्री सिंचाई योजना पर हमारी पूरी कार्य योजना आपके सामने शीघ्र ही आ रही है। ड्रिप सिस्टम हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है, हर खेत को, हर किसान को
हम पानी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। बिजली की बात किया, बिजली में आज सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार गांव में, हमारे गांव प्रकाशमान है, हमारे गांव में आज रात में अंधेरा नहीं है। आज गांव का किसान गांव में खेती के लिए उसको तड़पना नहीं पड़ा है कि रात में जाना, रात में बच्चों की पढ़ाई के लिए है और दिन में सिंचाई के लिए बिजली है। आज हम 18 घंटे से अधिक बिजली गांव में दे रहे, एक सच्चाई है, ये आंकड़े हैं, तथ्य है। और चंद्रभूषण जी आपने अपनी बात, ठीक है, मैं मानता हूँ, चंद्रभूषण जी मानता हूँ, अगर आपकी बात हम चंद्रभूषण जी मैं अपनी बात नहीं नहीं ठीक है हम अच्छा खत्म करें पहले खत्म करें। हाँ, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में पहली ऐसी सरकार आई है जो भारत की सरकार के साथ कदम ताल मिलाकर चल रही है, उसके फोकस पे गांव है, किसान है, गरीब है, मजदूर है, वंचित और परेशान वो लोग हैं जो 65 वर्षों तक 70 वर्षों तक इस देश में वंचना के शिकार रहे। आज हम उनकी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, हम आज गांव को सशक्त करना चाहते हैं, आज हम गरीब को सशक्त करना चाहते हैं, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे ऊर्जा का मुद्दा हो, चाहे गांव में सड़कों का मुद्दा हो, चाहे खेती को इज्जत देने का मुद्दा हो, ठीक है भूषण जी हो गया, अगर चंद्रभूषण जी की बात मान ले जयकांत मिश्रा जी, हाँ जन साहब आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर इन 5 महीनों में एक सवाल है, बोली जी। देखिए राजीव जी, चंद्रभूषण जी ने भी बहुत लंबी लंबी बातें कही, इसमें इन्होंने कहा कि 65,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सरकार ने डाल दिया। देखिए, जो कर्ज माफी की वो तो चलिए समझ में आती बात, 36,000 करोड़ की, बाकी जो इन्होंने बदले में गन्ना लिया वो भी खराब पैसा दे दिया। अरे भैया, ये 65,000 करोड़ रुपए आपने बांट दिया, हमारे पास दिया था। अजय चौधरी जी है, डॉक्टर जयकांत मिश्रा, अजय चौधरी जी है, डॉक्टर जयकांत मिश्रा, एक मिनट रंजीत साहब को भी हम जोड़ रहे, एक मिनट का पैसा, जैन साहब एक मिनट बस हो गई, आपकी बात आ गई, जैन साहब एक मिनट रुकिए सर, प्लीज रुकिए, डॉक्टर जयकांत मिश्रा, अगर हम चंद्रभूषण जी की बात मान ले तो ऐसा लग रहा है कि रिमार्केबल जॉब हुआ है, मतलब अद्भुत अविश्वसनीय काम कृषि और किसान के लिए उत्तर प्रदेश की 5 महीने की सरकार ने किया। एक मिनट सुन तो लीजिए सर, जो आंकड़े वो दे रहे हैं, क्या ये जमीनी सच है? जब आप किसानों से मिलते हैं, अजय चौधरी जी, जब आप किसानों से मिलते हैं, अभी वो कह रहे थे कि 97,000 गांव, सुन तो लीजिए, अरे जैन साहब प्लीज आने दीजिए, हम आपको मौका देंगे। चंद्रभूषण जी ने जो कहा उस पर आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन सुन तो लीजिए इन्होंने अभी जो सपने दिखाए हैं, उन्होंने कहा कि 97,000 अगले सपने बता रहे हैं, इन्हें तो देहात में जाकर देखो, फायदा दिया, कमेंट कर दीजिए जैन साहब, एक मर रहे करें आप स्वस्थ है, ठीक है, एक फलता देखिए, एक मिनट, उसके बाद में हंस रहे हैं उस पे, देरी कमेंट दीजिएगा, आने दीजिए, एक बार जयकांत जी को बोलने दीजिए, अजय चौधरी जी को आने दीजिए, एक बोलिएगा, कमेंट करिए, क्या बात है डॉक्टर जयकांत, आप जीवित बैठे, 5% जीवित बैठे, आपकी रहती 5 साल, अरे आप जीवित बैठे, आज स्थिति न होती, ठीक है, मतलब जान भी लेना चाहते दूसरे की, एक मिनट बस, ठीक है जैन साहब, अरे डॉक्टर जयकांत, रिमार्केबल जॉब दिखता क्यों नहीं साहब, आपने कैसे कर लिया कि आप जैन साहब हो गया, आपको ऑक्सीजन मिल रही है, आप बच्चों की जाने आपने ले ली, अरे किसानों का मुद्दा है, आपका चरित्र चेहरा सबके सामने आ रहा है, जैन साहब देख रही है, जैन साहब बच्चों की मौतों पे बजा ले रहे हैं कम से कम, अच्छा जैन साहब आप सुन लेते हैं, हम फिर आएंगे, हम आएंगे जल्दी जल्दी, एक बार सुन लेते हैं जयकांत जी और अजय चौधरी जी को। देखिए, सभी का आज के दृष्टि में सभी की सोच ये है, जो पूरे डिस्कशन में ये सामने निकला है कि बातें हो रही हैं, जमीनी हकीकत दिखता नहीं, तो फिगर भी सामने रख रहे हैं, नहीं वो रखने दीजिए, फिगर तो इन्होंने ये भी कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 5 ईंट कहीं रखे हैं तो शहर का नाम बता दें, 100 रेलवे स्टेशन बनाएंगे, एक स्टेशन में कोई काम चल रहा तो उसका नाम बताएं, मॉडल रेलवे स्टेशन, हाँ मॉडर्न स्केल है, ये 36 कंट्री घूम चुके हैं, एक भी फंडर अगर इंडिया में इन्वेस्ट किया है उसका नाम बताएं, ये नहीं बताएंगे, ये क्या बताएंगे, 2G 3G 35,00,000 करोड़ रुपए कांग्रेस ने लूट लिया, मर गया जी गया, लेकिन एक आदमी जेल जाएगा, आप रुकिए, आप सुनिए या फिर देहात में जाकर देखो, जनता ने इतना इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया है, आप सुनिए, सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट आने वाला, अरे सुनिए साहब, जयकांत जी सुन लीजिए, अपनी बात रखिएगा, काउंटर करिएगा, सुन लीजिए, आप बात नहीं सुनेंगे तो जनता तक बात आपकी नहीं पहुंचेगी, आपने देश में एक ऐसा परिवर्तन लाया जो दुनिया में हमें लगता है कि भारत का नहीं विश्व का प्रधानमंत्री आ गया, आप बात सुनिए,
मैं ये कह रहा हूं कि तीन चीजों का आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अब आपने हमें क्या बताया, 2 करोड़ लोगों को हमने सिलेंडर दे दिया, मैं लालटेन लेकर के और घूमता चलू को किसको दे दिया, आपने 35,000 करोड़ रुपए किसानों में बांट दिए, मैं लालटेन लेकर के ढूंढूं, आपने 4 लाख लोगों का अकाउंट खुलवा दिए, मैं लालटेन लेकर ढूंढूं, अरे आपके पास पेपर है, एडवर्टाइजमेंट दीजिए ना, आपके 80 जिला है, सुनिए, अरे सुनिए साहब, आप सुनिए, आप सुनिए, उनका नाम आ जाएगा, आप बताइए, सुनिए, मैं क्यों करूं, आपका काम है, सरकार का काम है, 200 लोगों को आपने मौत के घाट उतार दिया हॉस्पिटल में, गैस कनेक्शन आवाज़ करने वाले लोग, आपने अपने चुनाव में कहा था सत्ता में आने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर कन्या पेमेंट कर दी जाएगी, 3 साल में लेकर आ गए, मेरा कहना है आपसे, मेरा निवेदन आपसे ये है कि 80 जिला है आपके पास, आप नए तथ्य नहीं पैदा कर सकते, अरे आप सुनिए ना सर, तथ्यों का सृजन मत करिए, आप सुनिए, गैस के कनेक्शन जिसको हमने दिया है उसका नाम पता है डोमेन पे, राजू जी बैठे हैं अभी, क्लिक करिए अभी निकल आएगा, अरे मैं बात पूरी चंदूषण जी बात रखिएगा, इधर के पैनल से बात आ जाने दीजिए, आप अपने काउंटर में अपने जवाब में अपनी बात रखिएगा, लेकिन यहाँ पैनलिस्ट क्या कहना चाह रहे बात कहने, ठीक ठीक है, मेरा कहना है चीजें नहीं सुनी जाएगी, गलत चीजें नहीं सुनी जाएगी, मेरा ये कहना है कि आपके पास 80 डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने भी बेनिफिट आपने किसान को, मजदूर को, गरीब को, छोटे को, बड़े को जो भी देते हैं, वो एक चार्ट बना करके डिस्ट्रिक्ट वाइज स्तर पे आप अखबारों में क्यों नहीं देते, 700 जिला है पूरे देश भर के अंदर, पोर्टल पे है, पोर्टल पे है, अरे पोर्टल में तो देना किसान ये पोर्टल पे जाएगा, आप जो दे रहे हो, जो कह रहे हो, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो पोर्टल देखने जाएगा, ठीक है, अब साहब के पास मुख्यमंत्री हैं गोरखपुर के 200 बच्चे मर गए, कैंसर के मरीजों से पैसे लूटे जाते हैं, आप बताइए क्या किया बात, अब देखिए मुश्किल ऐसे में मुश्किल हो जाएगा कि एक पैनलिस्ट को रोका जाएगा और दूसरा बोलने लगेगा, ऐसे मुश्किल हो जाएगा, एक मिनट जैन साहब, एक मिनट हम आ रहे हैं, एक एक करके सब बोले तो दर्शक अच्छा सुन पाएंगे, सभी के तर्क दर्शकों के सामने जाने चाहिए, राजा रिजवी साहब हमारी सिर्फ एक चिंता है, चंद्रभूषण जी जैसा कह रहे हैं विद फिगर कह रहे हैं, तो हम ये माने कि शुरुआती 5 महीने में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रिमार्केबल जॉब किया है, अगर वो किया है तो क्या वक्त शुरुआती है इसलिए नहीं दिख रहा है, आने वाले दिनों में दिखेगा, या वो सिर्फ कहने में किया है इसलिए नहीं दिख रहा है, अगर वाकई 56,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए उत्तर प्रदेश के गांव में गए हैं तो वो दिखने चाहिए, उनका असर होना चाहिए, लेकिन वो विजिबल नहीं है, वो दिख नहीं रहा है, क्यों रिजवी साहब? देखिए मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूं राजीव जी कि मुझे एक बहुत बड़ी चिंता है मुख्यमंत्री के बारे में, आदित्यनाथ जी के बारे में, आज देखिए आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया, अगर हम माइनोरिटी ऑब्जर्वेशन कीजिए आप राजू जी, तो उन्होंने कहा कि साहब कैलाश मानसरोवर भवन बनाने में दिक्कतें आ रही थी, तो दिक्कत कौन कर रहा था, और वो भी बनने नहीं दिया जाता था, और उसको बताया गया जमीन को विवादित, तो कहने का मकसद ये है कि इनके जो अधिकारी हैं, कहीं आप भाषण में कह जाते हैं कि साहब जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उसके चेहरे पे काली पोती जाएगी, कहीं आप बयान में ये कह जाते हैं कि साहब हमारे प्रशासनिक अधिकारी हमें पूरे तरीके से सहयोग नहीं कर रहे हैं, आप जब भी देखिए भाषण, मुख्यमंत्री जी का भाषण होता है मॉनिटरी ऑब्जर्वेशन के लिए, तो वह भाषण में कहीं ना कहीं निकल आता है ये दर्द कि उनको अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं, भाई आज जो कैलाश मानसरोवर की भवन का उन्होंने शिलान्यास किया है, साफ कहा उन्होंने कि लोग जो है वो नहीं बनने देना चाह रहे थे, लेकिन हमने 50 करोड़ देकर के इसको विवादित भूमि जो बता रहे थे लोग, फिर भी हमने इसका शिलान्यास किया, तो आप देखिए कि इनके साथ जो ऑफिसर्स हैं,
अगर ये कह रहे हैं कि साहब 50 साल से ऊपर जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके हम जो है मॉनिटरिंग करेंगे, उनको हम पैमाने पर देखेंगे कि वो कार्य क्षेत्र में खड़े उतर रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं उतरेंगे तो उनको हम जबरदस्ती रिटायरमेंट करेंगे या उनको हटाएंगे। तो हमारा साफ कहना है कि मुख्यमंत्री जो आपका दर्द अधिकारियों पे है और वो आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो जो 50 साल से ऊपर आईएएस ऑफिसर आपके साथ हैं और वो आपके साथ घूम रहे हैं, आपके साथ शाना बशाना काम करने के लिए लगे रहते हैं, लेकिन आपका खुद ही कहना है कि साहब सहयोग नहीं मिलता है अधिकारियों का, भ्रष्टाचार पे काली पोते हैं, और अगर अधिकारी कहते तो ऐसे बयान उनके बराबर आते हैं। अधिकारी बूचड़खाने पे उन्होंने कहा कि साहब, जब हमने कहा कि साहब अधिकारियों के कि साहब बूचड़खाने बंद करने पड़ेंगे, तो उन्होंने कहा बहुत परेशानी होगी, तो हमने कहा परेशानी जो कुछ हो एनजीटी ने कहा है बंद करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का भी है। यानी इनको अधिकारी उस तरीके से सहयोग नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री को करना चाहिए। तो अब जो 50 साल से ऊपर इनके करीब के आईएएस ऑफिसर हैं उनको ये साइडलाइन लगाएं, और नौजवान ऑफिसर आईएएस जो इनके 5 साल 6 साल 7 साल के हैं उनको लेकर के आए। मैं साफ उदाहरण देना चाहता हूं, बिल्कुल जमीनी हकीकत का उदाहरण देना चाहता हूं। सर किसानों मेरा कृषि से जोड़ 5 साल का है, देन किसानों कृषि को मैं अपना मोबाइल खोलता हूं तो खाली फोटो खींच पाता हूं, नंबर मिल जाता है। मान लीजिए अधिकारी बदल दिए या 50 साल के ऊपर के हटा दिए, किसानों का फायदा हो जाएगा। तो मकसद आज के विषय से जोड़ के जो आएगा, आज के विषय से जोड़ कर रिजवी साहब का है वो तेज काम करेगा। जी ये गन्ना किसानों की पेमेंट जरूरी है, ना कि 200 करोड़ का कैलाश मानसरोवर भवन जरूरी है। जरूरी तो पहले जो किसान परेशान है वो चीज जरूरी है। नहीं तो चौधरी साहब आप कह रहे हैं पेमेंट नहीं हो रही है, तो आप कह रहे हैं कि गैर जरूरी चीजों पर सरकार खर्च कर रही है। गैर जरूरी चीजों पर हो रही है, क्या जरूरत है कैलाश मानसरोवर की? मतलब कैलाश मानसरोवर भवन की कोई जरूरत नहीं, गाजियाबाद में क्या जरूरत है? यूं बताओ इतने भवन बने हुए हैं उनका ठीक से उपयोग नहीं हो रहा है, तो उसकी क्या जरूरत है? पहले गन्ना किसान जो उत्पादन कर रहा है, जो सोना उगल रहा है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी कह के गए हैं किसान सोना उगल रहा है, उस सोने की कम से कम उसे पेमेंट तो दिला दें, वो आत्महत्या करने से मजबूर तो ना हो, उस चीज को तो खत्म कर दे कम से कम। जिस चीज की जरूरत है उस चीज को पहले करिए ना। चंपू जी इस बात का जवाब दीजिए, अजय चौधरी जी ने बात रख दी, इस बात का जवाब दीजिए। वो कह रहे कोई जरूरत कैलाश मानसरोवर भवन की नहीं थी, किसानों को वाजिब दाम मिल जाए उसकी जरूरत ज्यादा थी। जवाब दीजिए। को मैं बताना चाहता हूं, अजय जी को मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि पिछले साल इसी अवधि में गन्ना मूल्य का जो भुगतान की राशि थी 13,000 करोड़ थी, अब वो 23,500 करोड़ हो गई है। ये 10,500 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान योगी जी के एफर्ट से ही हुआ, भाजपा सरकार के ही प्रयास से हुआ। नंबर एक, नंबर एक जो बाकी है वो भी मिलेगा, ये डिफॉल्ट कर रहे हैं हमको रियायत देने ले जा रहे हैं, वो भी मिलेगा समयबद्ध। नहीं कब मिलेगा वो? 3 साल से कह रहे हैं, आपका ये वादा हुआ था चुनाव के टाइम में, 3 महीने के अंदर अंदर कन्या किसानों की पेमेंट करा दी जाएगी। 3 साल गुजर चुके हैं, 3 महीने की जगह करोड़ रुपए की राशि, 36,000 करोड़ रुपए की राशि, 400 करोड़ की राशि के सामने बहुत बड़ी राशि। इन राशियों को हॉस्पिटल में लगाइए, एजुकेशन में लगाइए, 3600 करोड़ बता दीजिए कभी किसान को मिला हो। 3600 करोड़ नहीं मिला, हमने 36,000 करोड़ एक मुफ्त दे दिया। आप कम से कम सच को स्वीकार करिए, इसके लिए अभिनंदन करिए। आप तो किसान नेता है, आप पॉलिटिकल आदमी नहीं है। पहली सरकारों ने भी दिया, आपने भी दे दिया। एक ऐसी सरकार, एक ऐसी सरकार 86 लाख परिवारों में 36,000 करोड़ रुपए की राशि बांट देती है, हर गांव से 100 से अधिक किसान लाभान्वित होते हैं, आप उसका अभिनंदन तो करिए। गांव के आंकड़े जाकर देखिए, हर एक गांव में आप योगी को इसके लिए धन्यवाद तो दीजिए। आपको तो राजनीति नहीं करनी है, धन्यवाद कर रहे हैं हम तो सभी सरकारों का। किसान को स्वीकार, ये किसान को हर एक सरकार का धन्यवाद दे रही है। पहली सरकार ने क्या दिया, आपकी सरकार क्या दे रही है, ये तो देखती आ रही है, सरकारों को ही देखती आ रही है। आपको ही धन्यवाद देते आ रहे हैं, लेकिन इन किसानों का भी तो ख्याल करो। एक एक बैंक कैसे ख्याल करोगे इनका, ये क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? आप जाके वेरीफाई कर लीजिए, आप किसान की स्थिति देखिए, देहात में जाके क्या स्थिति है आज उनके। 86 लाख परिवारों में, 97,000 गांव में हम बात कर रहे हैं। ठीक है चंदूषण जी, 75 से 100 अब एक बार जरा दिशा रहे साहब को जोड़ दे, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। ठीक है किसान हैदर साहब, ठीक आप इसको स्वीकार करिए किसान हैदर साहब, और भी हमें ये बताएं कि इस सियासत और सत्ता में किसान फुटबॉल क्यों बना हुआ है, वादों और दावों के बीच ही क्यों झूल रहा है, क्यों ऐसी स्थिति है? या तो सरकार कर्जा माफ करती है, 2-4-10 घोषणाएं करती है, या फिर हम खुदकुशी की खबरें देखते हैं। मतलब क्यों है ऐसा कि सारी सियासत किसानों को फुटबॉल बना के ही हो रही है, और एक नहीं 3-4-5-6 दशक से हो रही है।
क्योंकि हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सिर्फ किसानों के साथ नहीं, आप देखिए यहाँ आज बच्चे भी मर रहे हैं, यहाँ किसान भी मर रहा है, यहाँ जो बिजनेसमैन है वो भी मर रहा है, यहाँ आज प्रदेश में जो पांच दसियों साल में जो हालात नहीं थे ये पांच महीने में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस स्तर पे ले आई है आज प्रदेश को, और इसके लिए पूरी तरह से माननीय योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह से इसके कारण के वजह है। रीजन देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं। आप इसके जीते जाते एग्जाम्पल, अभी हमारे कर्जा माफी का कहा था तो किया ना कर्जा माफी। अरे भाई मनरेगा के बारे में आपने क्या क्या कहा आपके प्रधानमंत्री ने, आज मनरेगा को आप कहते हैं कि इतनी अच्छी योजना किसानों के लिए, हमने कर्ज माफी की बात की, हमने करी, हमने उसमें फसली असली ये सब बाद में नहीं लगाया, क्योंकि हम झूठ और झूले की बातें नहीं करते भारतीय जनता पार्टी के। आज देखिए इन लोगों का तो कैरेक्टर दिखता है, एफडीआई का इन्होंने विरोध किया, एफडीआई इन लोगों ने कहा कि 50% का कांग्रेस ला रही थी विरोध किया, 75 पे लेके आए, जीएसटी का इन्होंने विरोध किया, 18 पे हम ला रहे थे 28 पे लेके आए, इन्होंने किसान का, इन्होंने हर चीज जो पहले मना की वही की। आज आप देख लीजिए जिस तरह से आंकड़े आए हैं मुद्रा, जिस तरह से काले धन की बात की थी, 150 लोगों की मौतें हो गई, कौन जिम्मेदार है उसका, 1 रुपए का काला धन नहीं आया, आज आरबीआई ने बता दिया। तो देखिए जिस तरह की राजनीति हमें लग रहा है चाहे वो योगी जी कर रहे, और देखिए ये सब रिमोट कंट्रोल से चलता है यहाँ पे, आज भारतीय जनता पार्टी में हिटलर शाही की राजनीति है, आज वहां पे इनके स्वास्थ्य मंत्री जब उनका घर टपकता है तो उसका ट्वीट करते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन से जो बच्चों की मौत हुई उसके लिए आज तक उन्होंने नहीं माना कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई। तो इतनी संवेदनहीन सरकार है ये, इनको किसानों की मौतों से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आंकड़े पेश करते रहेंगे, झूठे जुमले और झूठी बातें करते रहेंगे, इनको किसानों के दर्द से कोई डर नहीं है। की बात हमारे जो नेता किसान नेता बैठे हैं उनकी बात अजय चौधरी जी ने जो कही, हाँ। कि भाई आज आप किसानों की बातें कर रहे हो, किसानों के लिए आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आंकड़े। हमने चंद्रभूषण पांडे जी 2 सवाल पूछे थे, दोनों सवालों का उन्होंने जवाब दे दिया, गोल गोल उनको घुमाते रहे, हमने इतना खरीदा, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि आपने जो टारगेट लिया था उसमें कितना आप अचीव कर पाए, आप नहीं बता पाएंगे, आपको मालूम है कि आप टारगेट का आधा भी नहीं अचीव कर पाए, क्योंकि आप लोगों ने फिर आंकड़े दिए लेकिन आंकड़ों में फिर आप लोगों ने गोलाबारी की। तो हमें लगता है जिस तरह से आंकड़ों में ये लोग खेलते हैं वही उसी की सरकार है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा ठीक है, हमारी चिंता सवाल में कुछ और थी, आपने कोई और बात रखी, कोई बात नहीं। डॉक्टर जयकांत मिश्रा, देखिए सियासत तो होती रही है किसानों को लेकर, आज केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो हम इस सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन किसानों को लेकर किसी भी सरकार का रवैया विजनरी तो कम से कम नहीं ही रहा है। हमारी चिंता ये है कि साहब ये फुटबॉल का मैच कब तक, और इसमें किसान फुटबॉल कब तक, हम वही दे, अब फिर चुनाव आएंगे तो फिर एक नया तरह का घोषणा पत्र आएगा, उसमें फिर किसानों को लेकर चिंता होगी, हर पार्टी चिंता दिखाएगी, लेकिन हर पार्टी का, अब जैसे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है ना, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए हमने जंतर मंतर पर हरियाणा में इवन यूपी में भी बड़ा आंदोलन देखा था, और ये एक वक्त लगा कि साहब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाए तो किसानों के दुख दर्द दूर हो जाए बहुत कुछ, 80% तो हो जाए, लेकिन वो नहीं होती और उस पर कोई बात भी नहीं हो रही है, चर्चा भी तो ये असंवेदनशीलता हमारी सियासत में क्यों है डॉक्टर जयकांत मिश्रा, जिसमें सारे राजनीतिक दल शामिल है, ऐसा नहीं है कि जहां कांग्रेस रूल सरकार है वहां कोई बहुत अच्छा काम हो रहा हो। देखिए ये जो कांग्रेस जो कमजोर होती जा रही है वो कमजोरी का इनको फायदा मिल रहा है, और आज के जमाने में देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगा, कभी इस पे चर्चा होगी कि अब जनता भारत की वो नहीं रही कि 60 साल तक कांग्रेस को देख करके इंतजार करेगी, अब ये समय और सिचुएशन और जो टेक्नोलॉजी है वो बदल चुका है, अब कोई आदमी 60 साल तक किसी का इंतजार नहीं करेगा। तो इसको सरकार को माइंडसेट बना करके चलना चाहिए कि हम ऐसा काम करें जिससे सीधे सरकार जनता तक अपनी व्यवस्थाओं को लेकर के पहुंचे, वो चीज लेकर के दिख नहीं रही है अभी तक जो सरकार के वादे थे। इस सरकार से लोगों का जुड़ाव कैसे हुआ, जुड़ाव इसलिए हुआ कि डिस्कनेक्ट हो गई थी कांग्रेस से पब्लिक, और इन्होंने इतना, और जो अन्ना आंदोलन था उससे इतना एक हवा फैला कि भ्रष्टाचार को ये लेकर के और एक जो व्यवस्था आई, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पे भी जनलोकपाल 3.5 साल हो गए अभी तक नहीं आया। मुझे अगर शिकायत करना हो तो मैं कहां करूं, क्योंकि जनलोकपाल का आपने कोई व्यवस्था नहीं की। तो मेरा ये कहना है कि एक तो अगर आपके दिमाग में हो जाए कि कोई आपको 40-50 साल के लिए सरकार दे दिया है तो ये आपकी गलत फहमी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले पार्टियां राजनीति करती थी,
अब सरकार भी राजनीति करने लगी इस 2-3 सालों में ये देखने को मिला है, क्योंकि जब आप आंकड़े के साथ खेलते हैं ना, जैसे सिद्धार्थनाथ लेकर के हॉस्पिटल के आए कि एक घंटे के अंदर ये बच्चे नहीं मरे हैं और उसी एक घंटे में जो है ऑक्सीजन की कमी हुई। अरे भाई, मुख्यमंत्री आपके उसी गोरखपुर के हैं और 20 साल से उसी गोरखपुर के 25 साल से सांसद रहे हैं, एक एक चीज के आंकड़े के उनके बारे में जानकारी है। 200 बच्चे मर गए उस हादसे के बाद भी अभी बच्चे मर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि व्यवस्थाओं से भी सीख नहीं ले रही है यह सरकार। मतलब आपने घोषणा किया, मैंने क्या बात कही, मैंने ये बात कही कि 80 जिला है आपके पास, आपने कौन कौन सी व्यवस्थाएं लेकर के आम जनता तक गए हैं। आप एक अखबार में डिस्ट्रिक्ट स्तर पे एक दिन में, एक दो दिन में, दो तीसरे दिन में वो एक डाटा निकाल करके दीजिए, जनता उससे प्रभावित होगी, आपका विश्वसनीयता आपका बना रहेगा। अभी हमें शिक्षा दे रहे हैं कि पोर्टल देखिए, एक किसान जो है वो हिंदी नहीं पढ़ सकता, वो पोर्टल जाकर के देखेगा। इतने टेक्नोलॉजी बढ़ गई हमारे अभी भारत में। मैं कहने का मतलब है कि सभी किसानों के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा है। तो ये ऐसे तर्क देना और ऐसी व्यवस्था पे आपको काम करना, तो आपको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। आपको आपकी जवाबदेही है। अब वो नहीं है कि जो आप आंकड़े दे रहे हैं, जीएसटी लाए पेट्रोल को बाहर कर दिए, ले आते ना पेट्रोल को भी बाहर अंदर जीएसटी के अंदर, तो आपने टेक्नोलॉजी लगाई। जो 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 स्तर पे आप लोग काम कर रहे हैं वो जनता इतना नहीं है और ऐसा नहीं है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात अब क्यों नहीं हो रही? हमने तो देखा कि खूब 2014 से पहले स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की खूब बात होती थी कि ये लागू होनी चाहिए, लेकिन अब कोई बात नहीं हो रही, क्यों? बात ही चर्चा ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं, ये चर्चा ही नहीं करेंगे, उसे लागू नहीं करेंगे, क्योंकि उससे किसानों को फायदा होगा। हमारे देश के किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का कहना था, देश की खुशहाली का रास्ता हम आपको रोकना चाहते और खलियानों से, हम आपको रोकना चाहते हैं। धर्मपाल सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, सिंचाई मंत्री हैं, और किसानी खेती का सिंचाई से कितना ताल्लुक है हमें कहने बताने की जरूरत नहीं है। धर्मपाल जी बहुत स्वागत है, हमारी आवाज सर आपको मिल रही है। धन्यवाद। धर्मपाल जी, आज हम जरा मुख्यमंत्री ने जो किसानों को लेकर वक्तव्य दिया उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि आपके सिंचाई मंत्री होते हुए उत्तर प्रदेश में नहरों को लेकर, सरकारी ट्यूबवेलों को लेकर, बिजली को लेकर क्या और कैसी कितनी व्यवस्था हो रही है जिससे कि उसका लाभ किसानों को पहुंच सके? ऐसे है, उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का प्रदेश बने इसके लिए योगी सरकार काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है वन ड्राप मोर क्राप, उसके आधार पर योगी सरकार ने संकल्प लिया है इसे करने का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसानों की, मजदूरों की सर्वाधिक संख्या है, इसका कल्याण कैसे हो इसकी चिंता योगी सरकार कर रही है। किसान हमारे देश की और प्रदेश की प्राथमिकता है। खेती प्रभावित होती है तो उत्तर प्रदेश की और देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। उत्तर प्रदेश की खेती प्रभावित ना हो इसके लिए योगी सरकार ने किसानों का सबसे पहले एक बहुत बड़ा काम किया जी, 1,00,000 रुपए तक का कर्जा माफ कर दिया और इसके चेक 8 तारीख से 11 तारीख के बीच हर जिले में बंटना प्रारंभ हो जाएंगे। दूसरा एक बहुत बड़ा काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोचते थे, पंड्राप मोर क्राप इजराइल पद्धति पर खेती हो इसके लिए उन्होंने काम किया और हमारी योगी सरकार ने कैबिनेट में निर्णय ले लिया। कैबिनेट का निर्णय हुआ कि जो सीमांत और लघु सीमांत किसान है इसको जो ड्रिप स्प्रिंकलर की सिंचाई करने की पद्धति है, ये ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई में टपक पद्धति से, फव्वारा पद्धति से सिंचाई हो, पानी का सदुपयोग हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सीमांत और लघु सीमांत किसानों को 90% का अनुदान दिया है और उत्तर प्रदेश के सभी किसानों को 80% का अनुदान दिया है। अब उत्तर प्रदेश का कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश का किसान अब उत्तर प्रदेश से पलायन नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश की खेती भी अच्छी होगी, लेकिन धर्मपाल की आमदनी भी बढ़ेगी। धर्मपाल जी नहीं करेगा, खिलेंगे धर्मपाल जी, सरकार का संदेश। धर्मपाल जी हमारा कहना यह कि बिल्कुल नहीं करेगा उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या, अगर ऐसा होता है तो हमें बड़ी खुशी होगी।
लेकिन मुश्किल ये है सर कि आंकड़े ये बता रहे हैं कि किसान खुदकुशी कर रहा है। अलीगढ़ में परसों ही एक किसान ने खुदकुशी की है, वो आलू का व्यापारी था, कर्जा उसने ले रखा था। आप सिंचाई मंत्री होने के नाते अलग अलग गांवों का अलग अलग इलाकों का दौरा करते हैं, क्या आप कोई आंकड़ा शेयर कर सकते हैं कि साहब हमने इतने नए सरकारी ट्यूबवेलों की व्यवस्था कराई, सरकारी ट्यूबवेलों पर बिजली प्रॉपर पहुंचे और सिंचाई हो पाए इसके लिए हमने ये व्यवस्था कराई, कुछ बता सकते हैं क्या प्राइम न्यूज के दर्शकों? हाँ, हम बताते हैं। अभी हम उत्तर प्रदेश में सरकारी 200 ट्यूबवेल नए लगा रहे हैं और जो ट्यूबवेल हमारे लगे हैं जो कुछ विद्युत दोष से खराब है उनको ठीक कराने का काम किया है। अब हम दोनों तरीके से ट्यूबवेलों से भी खेती को ठीक करेंगे और नहरों के द्वारा भी खेती में सिंचाई, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए सिंचाई फ्री देने का काम कर रही है। इसके साथ साथ नहरों में पानी आवे, अभी उत्तर प्रदेश में दो तरीके की स्थिति बनी है, एक तो पश्चिमांचल में थोड़ा बरसात कम हुई है, बाद सूखे की स्थिति बनी है, अभी सूखा हो नहीं रहा है, बरसात आज से शुरू हो गई है। पूर्वांचल में 24 जिले हमारे डूबे हुए हैं। योगी सरकार ने जो आपने जो बात कही किसानों के बारे में, मैं आपसे इसलिए सहमत नहीं हूँ, पहली बार सरकार ने किसान को 5 परिवारों में 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 10 किलो आलू, 5 किलो भुना चावल, 2 किलो भुना चना, 1 किलो रिफाइंड और 250 ग्राम धनिया, 250 ग्राम मिर्च, 250 ग्राम और भी व्यवस्थित, 500 ग्राम नमक, 10 पैकेट बिस्कुट के, 1 पैकेट मोमबत्ती का, 1 पैकेट माचिस, बाढ़ प्रभावित इलाकों में का तेल ये देने का काम किया है। तो कहां से ये परिस्थिति आ गई? आपने अलीगढ़ की बात कही तो कोई और परिस्थितियां होंगी। अब उत्तर प्रदेश में जब अभी बाढ़ से जो फसलों का नुकसान हुआ है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हम इसका सर्वे करा रहे हैं। योगी सरकार अब किसानों को मरने नहीं देगी, योगी सरकार किसानों को वाजिब मूल्य देकर जीवन जीने का रास्ता सुलभ करेगी। अभी 8 तारीख से 11 तारीख तक हम सभी किसानों को मुआवजा नहीं, वो सभी किसानों को जो ऋण माफ किया है जी, उसके चेक बांटने जा रहे हैं। चलिए, धन्यवाद मंत्री जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धर्मपाल जी, अगर ऐसा होता है जैसा हमने पहले भी कहा, अगर ये होता है तो ये उत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ता हुआ कदम होगा, लेकिन हमें सवाल इसलिए पूछने पड़ते हैं क्योंकि ऐसा हो नहीं रहा है। ये कोशिशें आगे भी साकार हो जाएं तो इससे सरकार को साधुवाद होगा। बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में सभी मेहमानों का आने के लिए। जयकांत जी, अजय चौधरी साहब, चंद्रभूषण पांडे जी, जिशान हैदर साहब, केसी जैन साहब, रजा रिजवी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जा रही। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से।